हेलो एवरी वेलकम टू आर चैनल जिसका नाम है सिंप्लीफाई लॉ आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 इससे पहले के सेशन में हमने इंडियन बार कमेटी 1923 डिस्कस की थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लीज़ चेक कर लीजिएगा तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन इंडियन बार काउंसिल एक्ट नाइन्टीन इन नाइनटीन टवेंटी सिक्स द इंडियन बार काउंसिल एक्ट वॉज इैक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द सममेंडेश इंडियन बार कमिटी नाइनटीन ट्वेंटी थ्री तो देखिए नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स में ये इंडियन बार काउंसिल एक्ट इैक्ट किया गया जो कुछ भी रिकमेंडेशन इंडियन बार कमिटी 1923 ने दिए थे उन रिकमेंडेशन को इफेक्ट में लाने के लिए द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट वॉज इनकॉरपोरेशन ऑफ़ द बार काउंसिल फॉर सर्टन कोड्स टू कन्फर्म पावर्स एंड ड्यूटीज ऑन सच काउंसिल्स एंड ऑल्सो टू कंसोलीडेट एंड अमेन द लॉ रिलेटिंग टू द लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफ सच कोर्ट्स तो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट ये था कि बार काउंसिल को इनकॉर्पोरेट करना है बार काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करना है सर्टन कोर्ट्स के लिए ठीक है साथ में उन काउंसिल्स के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ इम्पोज करनी है उन्हें कुछ पावर्स देनी है साथ ही में जो कुछ भी या फिर जो कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उन कोर्ट्स में उनके रिलेटेड जो कुछ भी लॉस होंगे उन्हें अमेंड करना है उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना है ये एक्ट इस एक्ट का ये ऑब्जेक्ट था ठीक है द एक्ट मेड प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बार काउंसिल फॉर एवरी हाई कोर्ट तो इस एक्ट का ये भी प्रोविज़न था कि बार काउंसिल को इस्टेब्लिश करना है हर एक हाई कोर्ट के लिए एवरी बार काउंसिल वॉज़ टू कंसिस्ट ऑफ़ फ़िफ्टीन मेम्बर्स हर बार काउंसिल में फिफ्टीन मेम्बर्स होंगे उसमें से चार जो होंगे वो हाई कोर्ट नॉमिनेट करेगा दस जो होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे बाय द एडवोकेट्स ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम अमंग देम्सिल और साथ ही में वन ऑफ द मेंबर जो होगा वो कौन होगा एडवोकेट जनरल होगा तो इस तरह से ये कंपोजिशन है टोटल फिफ्टीन मेंबर्स का इन द बार काउंसिल ओवैया अब देखिए इवन आफ्टर दिस एक्ट द हाई कोर्ट हैड पावर ऑफ एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स एंड द फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल वॉज एडवाइजरी नेचर देखिए इस एक्ट के इनैक्ट uh, होने के बावजूद जो हाई कोर्ट है उसे ही पावर दी गई है एनरोलमेंट करने की ऑफ द एडवोकेट्स हो साथ ही में ये जो बार काउंसिल है उसका जो रोल है ठीक है उसकी जो पोजीशन uh, है वो एडवाइजरी नेचर की ही है ठीक है द रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल वर टू बी इफेक्टिव ओनली ऑन द अप्रूवल ऑफ द हाई कोर्ट बार काउंसिल के जो कुछ भी रूल्स होंगे बार काउंसिल जो भी रूल्स बनाएगा वो तभी इफेक्टिव होंगे वो तभी इफेक्ट में आएंगे जब उसे हाई कोर्ट का अप्रूवल मिलेगा द कलकत्ता हाई कोर्ट एंड द बॉम्बे हाई कोर्ट परमिटेड नॉन बारिस्टर एडवोकेट टू प्रैक्टिस ऑन द ओरिजिनल साइड तो यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने नॉन बारिस्टर एडवोकेट को भी अलाउ uh, किया है परमिशन दी गई है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं

रिकॉर्ड तो किसी एडवोकेट को फिर वो चाहे बैरिस्टर हो या ना हो किसी एडवोकेट को ये परमिशन नहीं दी गई है वाज नॉट परमिटेड एक्ट ऑन दिनल कर सकता है इंडियन बार काउंसिल एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सेक्शन टेन ने एम्पावर किया है हाईकोर्ट को कि वह रिजेक्ट कर सकते हैं रेप्रिमांड कर सकते हैं सस्पेंड कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम प्रैक्टिस एनी एडवोकेट किसी भी एडवोकेट को हाई कोर्ट के वो सस्पेंड रिमूव कर सकते हैं अगर वो गिल्टी फाउंड हुआ तो मिसकंडक्ट या प्रोफेशनली गिल्टी फाउंड हुआ तो वो उन्हें रिमूव कर सकता है हाई कोर्ट सेक्शन टेन ऑफ द बार काउंसिल एक्ट 1926 प्रोवाइडेड अपॉन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट मेड टू इट बाई एनी कोर्ट और बाय द बार काउंसिल और बाई एनी अदर पर्सन दैट एनी सच एडवोकेट हैज गिली ऑफ मिस द हाई कोर्ट चायल इफ इट डज नॉट रिजेक्ट द कंप्लेन रेफर द केस फॉर इंक्वायरी इधर टू द बार काउंसिल और आफ्टर कंसल्टेशन विद काउंसिल टू द कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज तो देखिए सेक्शन टेन में यह भी मैंशन किया गया है कि अगर कंप्लेन आई ठीक है बाई एनी एनी कोर्ट बाय बार काउंसिल या किसी भी पर्सन से अगर कंप्लेंट आई किसी भी एडवोकेट को लेकर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट को लेकर तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है अगर वो समरली उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता तो वो उस कंप्लेंट को तो वो क्या करेगा वो जो केस है वो इंक्वायरी करे इंक्वायरी करने के लिए बार काउंसिल को रेफर करेगा या बार काउंसिल के कंसल्टेशन से कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज ठीक है डिस्ट्रिक्ट जज को क्या करेगा वो केस रेफर कर देगा तो इस तरह से इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 के प्रोविजंस हैं इसका कंपोजिशन है आई होप आपको समझ आया होगा अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके थैंक यू सो मच